जरूरी इस देश में है कि सभी बच्चे स्कूल में। More needs to be done, because it's a huge task. Area. Government's efforts towards education for all. Whether these schools are providing quality education or not. An inadequacy of the RTE. सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जरूरी इस देश में है कि सभी बच्चे स्कूल में हो, टोटल uh, इंक्लूजन मेरा मानना है कि लगभग uh, छः करोड़ बच्चे बीस करोड़ में से uh, छः से चौदह उम्र के आज uh, स्कूल में नहीं हैं ड्रॉप आउट हैं या नेवर एनरोल्ड हैं इन सब बच्चों को लेना खासकर वो जिसको हम अनरीच चाइल्ड कहते हैं स्ट्रीट चाइल्ड है होमलेस चाइल्ड है डिस्क्रिमिनेटेड चाइल्ड दलित uh, लड़की माइनॉरिटी इन सबको स्कूल में होना और एक एक अच्छी शिक्षा मिलना पहला दूसरा आ, जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें टीचर शामिल हैं और उस उसका बहुत मैसिव इम्प्रूवमेंट जो कि इनपुट्स हैं तीसरा उद्देश्य के जो बच्चे स्कूल से पढ़ के निकले आठवीं आठवीं कक्षा तक है इसमें वो आ, जिसे हम क्वालिटी कहते हैं गुणवत्ता कहते हैं पर गुणवत्ता का मतलब ये नहीं कि वो गणित और भाषा में कितने नंबर ला रहे हैं लेकिन एक देश का जो समाज से मिलजुल होने वाला नागरिक जो कि प्रोफेशनल भी हो पर एक सोशली सेंसिटिव भी हो इस तरह की शिक्षा से का आना ये मैं तीसरा उद्देश्य मानता हूँ देखिए प्राइवेट स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको वैधानिक हक है होने का आर्टिकल 19 के अंतर्गत तो इसलिए प्राइवेट स्कूल हैं तो मैं ये कहूँगा कि उनका भी यही उद्देश्य है लेकिन जहाँ तक ये आ, अधिनियम है ये या 86 सिक्स एमेंडमेंट है वो कहता है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द दिक्स टू फोर्टीन एज ग्रुप तो ये भी जिम्मेदारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो सरकार की है सरकार ये नहीं कह सकता है कि हमारी आधी या ट्वेंटी फाइव परसेंट जिम्मेदारी प्राइवेट करेंगे वो सरकार को करनी है पर उसमें जितना प्राइवेट का हिस्सा है वो प्राइवेट अपना हिस्सा इसी हिसाब से करे लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट पे वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है अभी बहुत तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत अंकुश है इसमें आ, एक कुछ चीज़ें हैं कि भाई रिकग्निशन होनी चाहिए और उनके भी जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं वो वैसे ही होने चाहिए जो बाकियों के हैं उसमें शायद हो सकता है कि जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल हैं जो अधिकांश हैं साठ सत्तर प्रतिशत उनको स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे टीचर क्वालिफ़िकेशन करनी पड़ेगी फिर पच्चीस बच्चों को लेना पड़ेगा पर पच्चीस बच्चे मैं ये मानता हूँ कि जो लोग आमतौर पे कहते हैं इसलिए हैं कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल की अच्छी शिक्षा मिले वो ज़्यादा उस लिए हमने तो नहीं सोचा था हमने ये सोचा था कि जो वो पचहत्तर प्रतिशत बच्चे वहाँ आते हैं उनको इन पच्चीस प्रतिशत बच्चों के साथ मिल उनकी गुणवत्ता बढ़े वो समझें कि ये मुल्क क्या है इसके बदले कि ये पच्चीस जो है उनको कोई वो बहुत प्राइवेट स्कूल तो पर ये पेडिगॉजिक एक चैलेंज है तो ये मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल के पास चैलेंज है कि कैसे वो इन बच्चों को एक सोर्स ऑफ नॉलेज बनाए तो गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर है अगर उस हिसाब से देखें कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनको ये नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे और जहाँ पे 80 प्रतिशत बच्चे हैं इस उम्र में 80 के 90 प्रतिशत बच्चे हैं तो ज़्यादा सा चैलेंज तो उनके लिए है लेकिन ये तो नहीं हो सकता है किसी भी जगह पे कि भाई आप एक कॉमन मिनिमम नॉम बनाएं फिर आप कहें कि भाई प्राइवेट स्कूल एन स्कूल वगैरह के लिए नॉर्म नहीं है केवल सरकार के लिए ये तो हो नहीं सकता है तो इस वजह से अगर हमें कुछ देश में बच्चों के हक के लिए कहना है कि ये न्यूनतम हक है कि इसके नीचे नहीं जा सकता है और वो जो न्यूनतम होगा वो सबको देना होगा चाहे वो प्राइवेट है जो भी एनजीओ है सरकार है कोई है मैं तो मानता हूं कि ये चैलेंज जो है क्वालिफिकेशंस और सैलरी वाला वो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा है उसका कारण ये है कि देखिए रेगुलेटर सरकार है रेगुलेटर सरकार है तो आप रेगुलेटर से ही कहें कि तुम अपना भी रेगुलेट करो तो वो तो बहुत अजीब बात होती तो सरकार रेगुलेट करेगा जो है प्राइवेट सेक्टर के स्कूल के तो सरकारी स्कूलों को कौन रेगुलेट करेगा कि उनके नॉर्म्स हैं वो एनसीपीसीआर करेगा एस सी पी सी आर करेगा अगर उनकी वो गुणवत्ता वहाँ तक नहीं है जो मिनिमम दाम से वो काम एस सी पी सी आर एन सी पी सी आर करेगा देखिए क्वालिटी बहुत एक कॉम्प्लेक्स uh, चीज़ होती है क्वालिटी आमतौर पर हम शुरू करते हैं कि भाई टेस्ट ले लो और देखो कि मैथ्स में कितने नंबर मिले और मैं मानता हूँ कि ये क्वालिटी का अगर ये कोई स्टेज है तो ये जीरो you स्टेज know, है क्वालिटी से मतलब है किस तरह का बच्चा बनाते हैं किस सोच का किस सामाजिक संवेदना संवेदनशीलता का सेंसिटिविटी क्या है उसकी पूरी टैलेंट्स केवल मैथ्स और भाषा में नहीं वो गाना बहुत अच्छा गाता है वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है वो सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेल सकता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव टैलेंट्स इन सबको उभारना है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एवरी चाइल्ड हैज़ द पोटेंशल टू बिकम ए क्रिएटिव पर्सन टू ब्रिंग आउट डैट क्रिएटिव पर्सन विच इज़ नॉट कन्फाइंड टू स्कूल सब्जेक्ट्स मुझे लगता है कि ये क्वालिटी नॉर्म हमको रखना चाहिए अब इनको अटेन करना बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है uh, उस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ इनपुट्स की ज़रूरत है कुछ आपके इनपुट्स होने चाहिए जो कि कैसा टीचर है टीचर अगर आपका नहीं होगा तो कुछ भी करिए तो वो आपको नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि इन इनपुट्स को लेते हुए जैसे सेंट्रल uh, रूल्स में लिखा भी है वो शो है सिस्टमिक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्टडीज सिस्टमिक नॉट जस्ट टेस्टिंग द चाइल्ड ये जो तरीका है कि वही आउटकम्स को हम देखेंगे टेस्ट द चाइल्ड देन यू एंड अप टीचिंग द चाइल्ड टू अ टेस्ट विच इज़ नॉट ए कॉम्प्रहेंसिव टैलेंट मेकिंग तो मुझे लगता है कि उसके लिए केवल एक्ट से नहीं होगा उसके लिए मुझे लगता है सबसे जरूरी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इस तरह के एकेडमिक पेडिगोजिक डॉक्यूमेंट्स जिनका क्रियान्वयन होना चाहिए उसके लिए जरूरी है जिस तरह की एन की नई किताबें बनी वो सब एक कानून से नहीं होगा दैट विल कम थ्रू ए मच वाइडर एकेडमिक विच शुड हैपन क्योंकि इस एक्ट में सेक्शन ट्वेंटी में कहा गया है द प्रिंसिपल्स विच शुड ऑपरेट इन द क्लास इट सेट्स दो प्रिंसिपल्स तो उन प्रिंसिपल्स के आधार पे एवरी स्टेट इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी डिपेंडिंग इट्स दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी में हाउ डू यू इंक्रीज क्वालिटी यू कॉन्ट हैव ए ग्लोबल क्वालिटी नॉर्म फॉर दैट लैंग्वेजेज़ आर डिफरेंट हिस्ट्रीज आर डिफरेंट कल्चर्स आर डिफरेंट जोग्राफीज आर डिफरेंट सो एक्टेबल क्वालिटी जो हम कहते हैं एक्वेटेबल विच टेक्स इन टू अकाउंट डाइवर्सिटी these will have to come as a दिस विल हैव टू कम एज ए कंकॉमिटेंट फ्राम ए वेराइटी ऑफ अदर इनपुट्स लाइकेंड फाइव इन मैनी क्या वो वो संभावना तो हमेशा रहती है कि कानून पे बहुत सारे हम लाते हैं तो कानून तो फिर वो चलते नहीं है मतलब सड़क पे चलने का कानून के लाल बत्ती पेरो वो तक नहीं होता है तो ये तो बहुत बड़ा है लेकिन उसका मतलब नहीं हम कानून ना लाएं और हम हम कोशिश ना करें आ, कानून लाना पड़ा क्योंकि पॉलिसीज़ और स्कीम्स से नहीं हो पाया अब तक चैलेंजिंग बहुत है फॉर गवर्नमेंट सेक्टर देखिए नब्बे प्रतिशत जो सरकारी आ, जो स्कूल हैं उनका एक क्यूमुलेटिव डेफिसिट जो हम कहेंगे नाइनटी सिक्सटी थ्री ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत बहुत ज़्यादा है तो टीचर रिक्रूटमेंट टीचर क्वालिफिकेशन हर स्कूल को बनाना डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना चाइल्ड लेबर से बच्चों को हटाना होमलेस चिल्ड्रन को देखना स्मॉल हैमलेट्स ये तो सरकारी एक चैलेंज है इट्स अ मैसिव चैलेंज बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता है हम बहुत सारे मुल्क हैं पूरे दुनिया में जिनकी इस तरह की चैलेंजेस रही हैं दे हैव डन इट तो इसका कोई मतलब नहीं हम नहीं कर सकते हैं लेकिन सवाल जो आपने कहा कि हमारी सात महीने में आठ महीने में हम कहाँ पहुँचे हैं शायद और तीव्रता होनी चाहिए थी काम करने में शायद हम कह सकते हैं कि सबके रूल बनने चाहिए थे स्टेट्स के सब स्टेट्स के गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकलने चाहिए थे टारगेट जो है इसमें तीन साल में नेबरहुड स्कूल फॉर एवरी चाइल्ड उसकी तरफ आ, करें पर मैं ये भी देख रहा हूँ ज़मीन पे क्योंकि मैं हर स्टेट में लगभग जाता रहता हूँ कि स्टेट्स आर सीज विथ इट ये नहीं कि अभी वो कह रहे हैं कि अभी अनसुना कर रहे हैं पर इसमें काफ़ी सारे पॉलिसी लेवल, लेवल की चीज़ें हैं फाइनेंसेस अब फाइनेंसेस तो तय ऊपर होते हैं ना वो नीचे तो नहीं होते हैं तो जब तक वो फाइनेंसिस का तय नहीं होता तो स्टेट्स क्या कितनी सीरियसली देते अब वो तय हो गया मुझे लगता है कि वो एक चीज़ छः महीने में हो गई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि वो हो गई अब तो स्टेट रूल्स बनना लगभग सबने रूल्स बनाए हैं चार चार ने ही उसको अभी तक लेजिस्लेचर में डाला है पर ड्राफ्ट रूल तो सबके बन चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब ये मॉनिटरिंग का सवाल है जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़म इस पर थोड़ा प्रेशर डाले तो चलता रहेगा पर यह भी मानना चाहिए कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग दशा है सम स्टेट्स विल नॉट फाइंड इट सो चैलेंजिंग बिकॉज उनकी एक स्टेज जो है वो और से केरला है हिमाचल है शायद तमिलनाडु है कर्नाटका महाराष्ट्र है पर बिहार यूपी राजस्थान उड़ीसा मध्य प्रदेश वहाँ और बहुत मेहनत चाहिए होगी झारखंड छत्तीसगढ़ चैलेंजेस भी अलग अलग है। हैं कॉन्फ्लिक्ट रिडन डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ हैं तो वहाँ कैसे चलाएं तो इट्स नॉट वेरी इजी टू से कि शिक्षा विभाग करें लगभग 200 ज़िलों में अगर हमारे कॉन् सिविल कॉन्फ्लिक्ट तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं मैं तीन साल के बाद एक रिपोर्ट कार्ड देखना चाहूँगा जब तीन साल हो जाएंगे क्योंकि तीन साल में लीनियरली काम होता रहेगा ऐसा तो होता नहीं है अभी थोड़ा शुरू हो गया है बट इट में इट पिक पिकअप और तीन साल में जो ये है कि हर बच्चे के लिए आस पड़ोस का एक न्यूनतम गुणवत्ता वाला स्कूल है दैट विल बी द फर्स्ट टेस्ट